प्रसारण आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। दरअसल पीएम किसान योजना का 14वां किस्त आने वाला है, लेकिन इसमें जो लाभार्थी है उनमें बहुत सारी संख्या में लाभार्थियों के नाम हटाए जाएंगे। दरअसल ये अपडेट आने के बाद से लाभार्थियों में खलबली मच गई है। अब ये मसला उठता है कि आखिर अचानक से ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। दरअसल बात यह है कि बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं जो फर्जी तरीके से इस योजना की लाभ उठाते रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अब इसमें जांच की जाएगी। जो भी फर्जी लाभार्थी होंगे उनके नामों को हटाया जाएगा और साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए एक बार इस खबर से जुड़े अपडेट को देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। बिहार के किसानों को भी पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। संभावना जताई जा रही है कि 14वीं किस्त में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम को हटाया जा सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से भूलेखों का सत्यापन भी किया जा रहा है। कई किसान आशंकित भी है कि क्या उनके नाम को लिस्ट से हटा दिया जाएगा या हटा दिया गया है। बता दें कि किसानों को इस योजना के तहत साल भर में 6,000 रुपए मिलते हैं। यह राशि 3 किस्त में 2,000 करके दी जाती है। फिलहाल किसान इस योजना की 14वीं किस्त के इंतजार में है। बताया जा रहा है कि इसमें कई किसानों के नाम को हटाए भी जा सकते हैं। किसानों को यह राशि मिलेगी या नहीं, यह किसान ऑफिशियल पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। किसान ऑफिशियल वेबसाइट को खंगाल सकते हैं, जिसमें उन्हें यह पता चल पाएगा कि उनके नाम को हटाया गया है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को इस योजना की 14वीं किस्त के लाभ मई के इस महीने में ही मिल सकता है। पीएम किसान योजना के तहत पहले से ही किस्त को जारी करने का समय निर्धारित किया गया था। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त अप्रैल से जुलाई के महीने में भेजी जाने वाली थी। मई के महीने में इसके मिलने की भी आशंका है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं मई के महीने में राशि का मिल जाने की जल्दबाजी हो सकती है। बता देंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को EKYC करवाना होगा। अगर आपने इसे नहीं कराया है तो खुद या फिर किसी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर KYC करवा लीजिए। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि अगर किसान इस लाभ से वंचित हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। दरअसल इस बार सरकार ने यह बड़ा निर्णय ले लिया है कि जो भी लाभार्थी अवैध तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनके नाम को लिस्ट से हटाया जाएगा, या फिर जो ऐसे किसान हैं जिन्होंने EKYC नहीं करवाया है उनके भी नामों को हटाया जा सकता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से इसके निर्देश जारी किए जा रहे थे कि जिन भी किसान के नाम EKYC में नहीं जुड़े हैं वो अपने नाम को जुड़वा ले ताकि आप इस लाभ को उठाते रह सके, आपको इस योजना के पैसे मिलते रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम किसान योजना का जो ये राशि है ये किस्तों में आता है, ये 2,000 कर किस्त में आता है जिसका लाभार्थी आसानी से लाभ उठा पाते हैं। लेकिन इस योजना में ये अपडेट आने के बाद से अब लाभार्थियों में शक पैदा हो गया है, शंका गहरा गई है कि क्या उनके भी नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। अब इस शंका को आखिर इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, इसमें कितनी सत्यता है, इसको जानने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, अपने नामों की लिस्ट को चेक करना होगा, तभी पता चल पाएगा कि इसमें आपका नाम है या फिर आपके नाम को हटा दिया गया है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम ब्यूरोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।